हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एंड कुकिंग बाय शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद हमारे यहाँ बारिश का थोड़ा सा मौसम हो गया है, बारिश आ गई है। तो मैंने सोचा ये जो सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा ये गुलदाउदी की ना कटिंग लगाई जाए। तो मैंने कटिंग तो बहुत सारी ले ली है, ये देखिए बहुत सारी कटिंग मैंने ले ली है, छोटी छोटी। इतनी छोटी कटिंग ना आराम से लग जाती है। नीचे के ये जो पत्ते हैं वो आप हटा सकते हैं, पत्ते हटा के और ये कटिंग इसमें लगाएंगे ना, तो आसानी से आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। मेरे पास ना कई जगह थोड़े थोड़े ये प्लांट्स मैंने सेव करके रखे थे गुलदाउदी के। ये सर्दियों के बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सुंदर फूल खिलते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग वैरायटी के। ये मेरे पास येलो एंड मरून कलर का है और एक पिंक कलर का है, तीन कलर है मेरे पास, बट इसमें अभी पता नहीं है कौन कौन सा कलर है। बस मैं लगा लूँगी ये सारी कटिंग। तो ये देखिए मैंने ये पत्ते हटा लिए हैं और ये ऐसे कटिंग लगा दूँगी, ऐसे ही सारी कटिंग। नीचे से पत्ते हटाने हैं, ऐसे नीचे से पत्ते हटा देने हैं और ये आसानी से बस इसमें आपको लगा देना है। जो मिट्टी है ना, ये अच्छे से खाद वाली मिट्टी, वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेनी है और ऐसे ही सारी कटिंग जो है ना ये मैं लगा दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी कटिंग मैंने रेडी कर ली, नीचे के पत्ते सारे हटा लिए हैं मैंने और ये सारे तैयार कर लिए हैं। अब बारी बारी सारे इसमें लगा दूँगी, सारे ऐसे लगा दूंगी। मैंने लास्ट ईयर भी ना इसी प्लांटर में गुलदाउदी का ये प्लांट लगाया था, उसमें तब एक दो ही कटिंग लगाई थी। और ये देखिए ये मेरा प्लांटर किस चीज़ का है, ये मेरे एक्वागार्ड का नीचे का टैंक है। इसको मैंने ऊपर वाला हिस्सा हटा के और इसको मैंने प्लांटर बना लिया है। बहुत ही अच्छा प्लांट चला था मेरा पिछली बार, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, बहुत ही अच्छी। ऐसे ये देखिए सारी कटिंग लगा लूँगी, बहुत ही अच्छी फूल आते हैं, बहुत ही सर्दियों का राजा होता है ये प्लांट। ना हो तो सर्दियाँ ही क्या हो, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, भर भर के फूल आते हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। और जो इसकी फ्लावरिंग जो होती है ना, वो बहुत दिनों तक रहती है। ये नहीं कि जैसे फूल खिले और एक दो दिन बाद मुरझा जाए, कई दिनों तक, 15-20 दिनों तक इसके फूल जो है ना खिले रहते हैं। देखिए, और जैसे ये कटिंग लगाई ना मैंने, उस टाइम बाद जब ग्रोथ होगी तो पिंचिंग करते जाएंगे इसकी, जब यहाँ से पिंचिंग करते जाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट होगा और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा करेगा। अभी सारे लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, सारी कटिंग मैंने अपने प्लांटर में लगा दी है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना छोटे छोटे प्लांट। कुछ दिनों में जब इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, थोड़ी ग्रोथ हो जाएगी, तो ये जो टिप है ना, टिप के ऊपर से यहाँ से पिंच कर दूंगी मैं सारे प्लांट, तो ये हाइट वाइज भी बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगा। जब बुशी होगा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। ये देखिए पूरा भर जाएगा ये मेरा प्लांटर है ना, और इसमें पूरा भर भर के फूल आएंगे। लास्ट ईयर इसमें मैंने येलो कलर का और पिंक कलर का दो लगा हुआ था, दो कटिंग लगाई थी मैंने, कहीं से लेके आई थी कटिंग, किसी ने दिया था मुझे, और उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग, मतलब एक प्लांट में 100 से ज़्यादा फूल आए थे। बहुत ही सुंदर लगता था देखते ही, छत पे जैसे ही आओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत ही आराम से ये फ्लावरिंग प्लांट लग जाता है। इस समय आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी प्लांट बचा हुआ है पहले का, तो लास्ट ईयर का, और लगा के आप प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। कुछ मैंने इस वाले में लगा दिए हैं, ये देखिए कटिंग, दो चार कटिंग यहाँ लगा दी है। ये मेरे पास पहले का प्लांट था, इससे ही कटिंग ली है, कुछ यहाँ पे था। और मैं दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे भी इसका प्लांट सेव करके रखा था, ये देखिए बहुत सारे हैं, यहाँ से मैंने कटिंग ली है। ये देखिए ये बहुत बड़ा सा प्लांट हो गया था। तो ऐसे ही आप लोग भी गुलदाउदी की कटिंग लगा सकते हैं और सुंदर सुंदर फूल पा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।